वन देखिए, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट सेवन नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट सेवन नंबर्स का सम आपको बताना है विच आर मल्टीपल ऑफ टू एज वेल एज ऑफ नाइन। मतलब कि आपको ऐसे सेवन नंबर सोचने हैं पहले तो जिन जो सेवन नंबर्स टू का भी मल्टीपल होते हो एज वेल एज नाइन का भी मल्टीपल होते हो। मतलब जो नंबर टू की टेबल में भी आते हो और नाइन की टेबल में भी आते हो, या अदर वे राउंड हम बोल सकते हैं कि जो नंबर टू से भी डिविजिबल हो और नाइन से भी डिविजिबल हो। देखो तो बात समझिए, देखिए आपको टू और नाइन का एलसीएम लेना होगा। कैसे? क्योंकि एलसीएम का मीनिंग हमने जो चैप्टर नंबर वन में पढ़ा है, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे कि भाई देखिए टू एंड नाइन, तो एलसीएम ऑफ टू एंड नाइन का क्या मतलब होता है? देखिए इसका मतलब ये होता है कि वन से काउंटिंग स्टार्ट करते जाइए, समझिए जरा बात को, वन से काउंटिंग स्टार्ट करते जाइए और ऐसा नंबर सर्च करिए जो कि टू का भी मल्टीपल होता हो एज वेल एज नाइन का भी मल्टीपल होता हो। मतलब टू की टेबल में भी आता हो, नाइन की टेबल में भी। तो हमने काउंटिंग स्टार्ट करी वन टू थ्री फोर, तो देखो वन हो नहीं सकता क्योंकि ना तो ये टू का मल्टीपल है ना तो नाइन का। अब देखो टू हो सकता है लेकिन टू किसका मल्टीपल है? टू का, यानी कि टू टू की टेबल में आता है लेकिन टू नाइन की टेबल में तो नहीं आता है। टू वन सा टू होता है तो टू टू की टेबल में आता है लेकिन टू नाइन की टेबल में नहीं आता है, तो टू भी हटा देंगे। अब थ्री को देखो, थ्री ना टू का मल्टीपल है ना नाइन का मल्टीपल है, फोर भी नहीं, फाइव भी नहीं, सिक्स भी नहीं, सेवन भी नहीं, एट भी नहीं, नाइन भी नहीं। हाँ सिक्स है, सिक्स किसका मल्टीपल है? टू का, लेकिन नाइन का नहीं। सिक्स टू की टेबल में आता है लेकिन नाइन की टेबल में नहीं आता है, तो सिक्स भी छोड़ा, सेवन छोड़ा, एट छोड़ा, नाइन 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 का मल्टीपल है लेकिन टू का नहीं है। चेक करो, नाइन नाइन की टेबल में आता है, नाइन वन सा नाइन होता है लेकिन नाइन टू की टेबल में नहीं आता है। फिर टेन टेन टू की टेबल में आता है लेकिन नाइन की टेबल में नहीं आता, टेन भी छोड़ा, इलेवन भी छोड़ा, ट्वेल्व टू की टेबल में आता है लेकिन नाइन की टेबल में नहीं आता है, ट्वेल्व छोड़ा, थर्टीन छोड़ा, फोर्टीन भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि फोर्टीन टू की टेबल में आता है और नाइन की टेबल में नहीं आता है, फिफ्टीन छोड़ा, सिक्सटीन छोड़ा, ठीक है, सिक्सटीन इसलिए छोड़ा क्योंकि सिक्सटीन टू की टेबल में आता है, नाइन की टेबल में नहीं आता है, सेवनटीन तो प्राइम नंबर है ना टू की टेबल में आता है ना आपका नाइन की टेबल में आता है, एटीन एक ऐसा नंबर है। तो ऐसा करते करते, ठीक है, ऐसा करते करते स्टूडेंट्स एक सेकेंड जरा, हाँ तो ऐसा करते करते आपको 18 एक ऐसा नंबर मिला जो कि 2 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमको ढूंढना था 2 और 9 का। लीस्ट का मतलब वो पहला नंबर कौन सा है, लीस्ट मतलब वो सबसे छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो 2 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो ढूंढना पड़ेगा आपको, किसका? 2 और 9 का। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम, बात समझ में आई? तो इतना लंबा मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, बाकी तो आप डायरेक्ट 2 और 9 का एलसीएम निकाल लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसे निकालना हो निकाल लो। 2 वन ज़ा 2 और ये 9 टेन जाएगा तो 3 वन ज़ा, मतलब ये 9 कॉपी कर देंगे ऐसे ही, 3 थ्री ज़ा और 3 वन ज़ा और 3 वन ज़ा, 2 थ्री ज़ा, 6 थ्री ज़ा, 18। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 9 कितना आ गया? 18। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? क्यों मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे सबसे पहला नंबर ढूंढना पड़ेगा ना जो 2 का भी मल्टीपल हो एज वेल एज 9 का भी, तो वो पहला नंबर कौन है? 18 है। ठीक है, अब देखिए जब आपको पहला नंबर एक ऐसा मिल जाए जो 2 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है, ठीक, तो आपको नेक्स्ट नंबर, सुनिए मेरी बात, आपको नेक्स्ट नंबर जो 2 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है वो कैसे मिलता है? तो सुनिए सुनिए मेरी बात, जब आप पहला नंबर ढूंढ लेना तो इसकी टेबल चला दीजिए आप। ठीक है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अभी उन्होंने पूछा क्या कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 9, करेक्ट, तो जरूरी नहीं कि वो 2 और 9 का पूछे एग्जाम में, वो किन्हीं भी दो नंबर का पूछ सकते हैं। तो उन दोनों नंबर का पहले एलसीएम लो, जो एलसीएम आ जाएगा उसकी टेबल चला दो, ठीक, उसकी टेबल चला दो। तो देखो जरा 18 की टेबल चला दो, 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36 और 18 थ्री ज़ा 54, करेक्ट, मतलब जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है? वही नंबर होता है जो इन दोनों नंबर का एलसीएम होता है। ठीक, 18 में 18 जोड़ोगे 36 मिलेगा, 36 में 18 जोड़ोगे 54 मिल जाएगा, बात समझ में आई? तो द मल्टीपल द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, हम थ्योरी लिखेंगे अपनी कॉपी में क्या, कि द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 9 आर व्हाट, 18 कॉमा 36 कॉमा 54 डॉट अप टू व्हाट, अप टू 7 टर्म्स। हमने आपको टोटल 7 टर्म्स नहीं दिखाए हैं, आप चाहो तो आप दिखा सकते हो, हमने 7 टर्म्स इसलिए नहीं दिखाए हैं
क्योंकि इनका ही तो हमको सम निकालना है अप टू सेवन टर्म्स, तो हम सिंपली एस सेवन का फॉर्मूला लगा लेंगे, हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से चेक करो ये ए पी है कि नहीं है। तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 18, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है ए टू माइनस ए वन यानी कि 36 माइनस 18 18। ओके, और एन कितना रखना है आपको, इस ए पी के सेवन टर्म्स का सम निकालना है। क्यों? क्योंकि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये है क्या, ये मल्टीपल ऑफ टू एज वेल एज मल्टीपल ऑफ नाइन है ना, तो इन्हीं का तो सम निकालना है अप टू सेवन टर्म्स तक। ओके, तो एन की वैल्यू सेवन रखी, बस अब सिंपली हम एस सेवन लगा देते हैं, यानी कि एस सेवन क्या हो जाएगा 7/2 और इन द ब्रैकेट 2 इंटू ए, ए कितना है 18 और प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन कितना है 7 माइनस वन इंटू डी और डी कितना है आपका 18 है। करेक्ट, तो ऐसा कुछ आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 7/2 इन द ब्रैकेट, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं 2 into 18, जैसे सॉल्व करना आप वैसे कर लीजिए। 7 minus 1 क्या होता है 6, 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 into 3, 7 minus 1 6, 6 को मैंने 2 into 3 लिखा तो 2 into 3 into 18। करेक्ट, ऐसा लिख दिया। ओके, तो आपका अंदर से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, आपका 18 भी कॉमन आ रहा है, 2 into 18 भी कॉमन आ रहा है, जो आपको कॉमन लेना हो ले लो, है ना, जो पसंद हो। तो हम क्या कर रहे हैं, चलो 18 कॉमन ले ले रहा हूँ मैं, अरे जो करना है वो कर लो, चलो मैंने 18 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 और प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 2 into 3 6। ओके, अब 2 1 जा और 2 9 जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 7 9 जा 63 और ब्रैकेट में 2 plus 6 8 होता है, यानी कि 63 into 8 तो 8 3 जा 24, 2 8 6 जा 48 और प्लस 2 504। ओके, तो हेंस द सम ऑफ द फर्स्ट सेवन नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ टू एज वेल एज ऑफ नाइन इज 504। कर लीजिए, हाँ सर ऐसे क्वेश्चन सर फैक्टर्स भी पूछ सकते हैं। हाँ सर, जो सर एलसीएम लेंगे, हाँ एलसीएम ही लेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डाउट है, बच्चों को कह रहे हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन मल्टीपल की जगह क्या फैक्टर बोल सकता है? हाँ बोल सकता है, सेम क्वेश्चन में कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट सेवन टर्म्स, फर्स्ट सेवन नंबर्स विच आर मल्टीपल की जगह आपको एग्जाम में क्या बोल सकता है, विच आर फैक्टर्स ऑफ टू एज वेल एज ऑफ नाइन, मतलब जो टू के भी फैक्टर हों और नाइन के भी फैक्टर हों, बात समझ में आई? तो आपको यही करना है जो यहाँ पे किया, आप वहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मत निकाल देना, ना 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 ना, यही करना है। मतलब आपको ऐसे नंबर ढूंढने जो 2 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी, तो पहला नंबर आपको 18 मिलेगा और नेक्स्ट नंबर आपको 36 मिलेगा। देखो ये 2 से भी डिविजिबल है और 9 से भी, ठीक है। तो चाहे मल्टीपल करके क्वेश्चन आए और चाहे फैक्टर करके क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। ओके, कर लीजिए।